हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, बार बार यही पूछ रहे हो भैया रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको इसमें एक टेंटेटिव डेट बताने वाला हूँ। इस डेट तक आपका मोस्ट प्रोबेबली यानी रिजल्ट आ ही जाएगा आपका, अब इससे ज़्यादा और नहीं डिले होगा। देन उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स की किस कॉलेज का, एम्स नर्सिंग में कितना सीट्स है, ऋषिकेश में कितने, और काउंसलिंग में कैसे सीट्स को आपको देख के काउंसलिंग में हेल्प लेना है, कैसे काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स का भी रोल होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट कब, देखो आपका जो रिजल्ट है वो 28 से 29, इन दो डे के बीच में आपका, मतलब इन दिन आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ सोशल मीडिया पे देखोगे, ट्विटर पे देखोगे, तो आपका जो डेट ट्रेंडिंग कर रहा है वो है 28 डेट आपका, एक ज़्यादा जहाँ भी आप देखोगे तो 28 है, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस डेट को आपका रिलीज कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं हम आपकी सीट मैट्रिक्स के बारे में, कि सीट मैट्रिक्स क्या और कैसे काउंसलिंग में आपको सीट मैट्रिक्स हेल्प करेगी। देखो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसमें आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है काउंसलिंग में। आपको पता है बीएससी नर्सिंग केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो अब इसमें आपको कैसे देखना, जैसे एम्स दिल्ली का देखिए टोटल 96 सीट्स हैं। अब देखो इसमें जनरल के लिए 36, ओबीसी के लिए 25, ठीक ना। अब देखो बठिंडा की बात करो 60 सीट्स, अब इसमें देखो जनरल के लिए ये देखिए 23, जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो देखो भाई पीडब्ल्यूडी वाले जो भी अगर चॉइस फिलिंग करें तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखना। देन उसके बाद में ये देखो भोपाल के लिए देखो 75 सीट्स हैं, भुवनेश्वर के लिए 75, और बिलासपुर के लिए भी आपका देखिए 40 सीट्स। और देन उसके बाद में एक चीज़ देखिए देवघर के लिए 60 और गोरखपुर के लिए 60। देखो जोधपुर में आपके जोधपुर और ऋषिकेश देखिए मैक्सिमम सीट कहाँ पे है आपका, मैक्सिमम सीट है आपका जोधपुर और ऋषिकेश में। तो इधर देखिए ओबीसी का कितना है 26 है और जोधपुर में है ये देखिए 25। तो ये सब आपकी देखो पटना के लिए 75, ये 5, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार इनको सीट मैट्रिक्स को आप देख सकते हो अच्छे से कि किस में कितना सीट मैट्रिक्स है। क्योंकि देखो काउंसलिंग में क्यों कैसे हेल्प करेगा आपको, अगर आप ओबीसी कैटेगरी देखो किस में मैक्सिमम ओबीसी का सीट्स है, उसका कट ऑफ मेरे रैंक के अकॉर्डिंग रहा या नहीं रहा है, ये सब देख के आपको इन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस में देना है। कल एक क्वेश्चन आया था कि भैया कितने हम चॉइस फिलिंग में फिल कर, भाई जितने भी 14 एम्स कॉलेजेस दिए गए आप इन 14 के 14 को आप फिल कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है फर्स्ट पे आपने कौन सा फिल किया है, सेकंड पे कौन सा किया, थर्ड पे कौन सा किया, फोर्थ में सब कौन सा किया, ये सब आपको इसलिए सिक्वेंस से फिल करना होता है। इसके बाद में जिन स्टूडेंट को कोई भी काउंसलिंग का आइडिया नहीं है कि कैसे हमको भैया काउंसलिंग करना है, हमको पता भी नहीं बिल्कुल कैसे फिल करना है, ना ही कट ऑफ का आइडिया, तो वो मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 1-to-1 हेल्प किया जाएगा, आपको बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बताया जाएगा, आपके जो भी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व किया जाएगा। सो आप एक काउंसलिंग प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। मेरा जो नंबर है ये दिया गया है, इस नंबर को या तो आप काउंसलिंग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, रिजल्ट आने के बाद भी आप इस नंबर को सेव कर सकते हो 6350578481। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको QR कोड दिया गया है, इधर आपको नंबर दिया गया है, इस पर आपको पे करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, उसके बाद में हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। देन ज्वाइन कर सकते हो आप, और बहुत इसका मिनिमम फी 499 रुपीज़ आप फी में ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने आपको बताया कि आप वेट करो 28 और 29, इसके बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और मैंने आपको ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स भी बताया, जोधपुर और ऋषिकेश का सबसे ज़्यादा सीट्स था, और उसके बाद में और भी आपने उसमें कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।